सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो गाइज, कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने फ़ोन में ये कैसे लगा सकते हैं कि आप लोग को जो भी कोई कॉल करे वो सब जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाए। आप लोगों को जो है बार बार रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर करके कॉल को रिकॉर्ड ना करना पड़े, जितना भी कॉल आए वो सब जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता चले। तो ये वाला सेटिंग आप लोग को अपने डिवाइस में कैसे करना है, इसी के बारे में जो है आज हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है मैं इसको वीवो के मोबाइल में करके दिखाता हूँ। आप लोग का जो भी फ़ोन होगा आप लोग भी अपने फ़ोन में इस तरीके से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सेटिंग इधर उधर होता है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ़ोन वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एंड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस हो गया जाता है, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन होगा कॉल सेटिंग करके, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग कॉल सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रिकॉर्ड सेटिंग करके, ठीक है। आप लोगों के फ़ोन में थोड़ा सा इधर उधर ये ऑप्शन हो सकता है तो आप लोग इसको ढूंढ लीजिएगा। फिर हमें क्या करना है कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है तीन ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। जिनमें से कि हमारा पहला ऑप्शन ये है डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली एंड रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली, रिकॉर्ड कस्टम कॉल ऑटोमेटिकली। तो इनमें से आप लोग को जो है अपने सभी कॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जो है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करके रखेंगे तो जितना भी आप लोग के फ़ोन में जितना भी कॉल आएगा वो सब जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को जो है बार बार उस पर क्लिक करके उस कॉल को रिकॉर्ड करना नहीं पड़ेगा, और आप लोग का जितना भी कॉल रिकॉर्ड होगा वो सब जो है आप लोग के फाइल मैनेजर एप्लीकेशन में आइडियो में चला जाएगा। आप लोग अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन से अपने आइडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से जो है आप लोग का आइडियो रिकॉर्ड होने के बाद आप लोग के फाइल मैनेजर में शो होने लगता है, ठीक है। आप लोग उसके बाद जो है आप लोग उसको डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा आप लोग अगर इस सेटिंग को ऑन करके रखते हैं तो, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था गाइस, और अगर आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की और भी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।